ये जो हम लोगों ने डीमा देख लिया था उसके बाद हम लोग केल्डोल मेथड देख रहे हैं। केल्डोल मेथड में क्या होता है, ये भी नाइट्रोजन का कंपाउंड में कितना परसेंट नाइट्रोजन है निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि कंसनट्रेट H2SO4 के साथ इसको ट्रीट करते हैं, जो भी कार्बनिक कंपाउंड देंगे अपने को उसको टेस्ट में लेंगे, उसमें H2SO4 डाल देंगे तो ये अपना कंपाउंड बन जाएगा इंटरमीडिएट, और फिर इसमें बेस मिलाएंगे हम लोग तो अमोनिया गैस बाहर निकलती है। और इसमें ये जो रिएक्शन ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, ये जो है ना केल्डोल और ड्यूमा मेथड थी उनमें से केल्डोल मेथड है जो बेस्ट मेथड है, लेकिन इसकी कुछ कमियाँ भी हैं, लेकिन ये एकदम करेक्ट बताता है आंसर। तो जितने भी अपने जो खाद बीज होते हैं, जो किसान खाद में काम लेते हैं, उर्वरक होते हैं, या हम अपने जो फूड वाले होते हैं ना होली दिवाली पे दुकानों पे जाते हैं और फूड का जो करते हैं कि इसमें कोई मिलावट है या नहीं है, वो लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो सिंपल मेथड है, सॉरी सिंपल मेथड है और ज़्यादा सुविधाजनक है, ईजिली कर सकते हैं हम लोग। और खाद्य पदार्थ, मिट्टी में उर्वरक, कृषि उत्पाद में नाइट्रोजन ज्ञात करने के लिए इसी मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इस मेथड की कमी ये है कि अगर कोई कंपाउंड जिसमें कि एजाइड बॉन्ड हो, एजो बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, या फिर रिंग में ही नाइट्रोजन हो, लाइक ये वाले होते हैं कंपाउंड ऐसे जिसमें नाइट्रोजन रिंग के अंदर होता है, उस कंपाउंड के लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। जैसे पिरीडीन, क्यूनॉल, ये इसमें मेथड काम में नहीं है। इसका रीज़न है कि ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। अगर नाइट्रो ग्रुप है तो भी कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। फॉर्मूला इसका सीधा सा है, परसेंटेज नाइट्रोजन इक्वल टू 1 for Nv upon m, 1.4 Nv upon m, यही है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है जो जेई में पूछा हुआ भी है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कि ये वाला 2000 लास्ट ईयर ही पूछा जेई ने, पिरीडीन और एक बार एग्जांपल याद रखना क्यूनॉल, नाइट्रोबेंजीन वगैरह ये जो होते हैं, या फिर एजो ग्रुप जिसमें होता है, जैसे होते हैं ना आपकी जो ये कपलिंग रिएक्शन से प्रोडक्ट बनते हैं उसमें जो नाइट्रोजन होता है, उनका हम लोग इससे मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ये याद रखना आप, और एक न्यूमेरिकल मैं करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, 1.4 Nv upon m। ये क्वेश्चन है केल्डोल मेथड का, 0.5 दिया है, एम कितना दिया है 0.5, और H2SO4 है इसकी मोलरिटी दे रखी है, एम दिया है 1 H2SO4 के लिए। तो नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी होता है मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। अब मोलरिटी तो 1 है, वैलेंस फैक्टर H2SO4 का कितना होता है, यानी कि ये कितने H+ दे सकता है, तो ये 2 H+ दे सकता है, एसिड के लिए तो वही होगा जो H+ कितना दे सकता है, तो 1 × 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, 2 हो गई इसकी। तो एन की वैल्यू आ गई आपके पास में 2। और क्या चाहिए, एन वी, और वी चाहिए, वी भी क्वेश्चन में दिया 10 ml, वी दिया आपने को 10 ml। तो फॉर्मूले में रखते हैं 1.4 Nv upon m, 0.5, 2, 4, और ये हो जाएगा 56। देखते कितना दिया आंसर, 56% एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये बड़ा इजी मेथड है केल्डोल मेथड, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा ही हार्ड नहीं है, इजी है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है थ्योरेटिकली, और कुछ भी नहीं है।